हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपेंद्र राजौरिया। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी एज फाइनल ईयर जेएनकेवी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा। आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। इंट्रोडक्शन। क्रोमोसोम आर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए टाइटली क्लोइड मेनी टाइम्स अराउंड प्रोटीन स्टोन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमोसोम फर्स्ट डिस्क्राइब बाय स्ट्रासबर्गर 1815। क्रोमोसोम को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1815 में खोज की थी। बट लेकिन सबसे पहले क्रोमोसोम टर्म वाल्डेन ने दिया 1988 में। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। इसके अंदर चार आते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरी बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर। फर्स्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, थर्ड एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, फोर्थ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। फर्स्ट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस प्रकार के गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु और इसके आसपास या बीच में स्थित होता है। ऐसे गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं लगभग बराबर होती हैं और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम भी आकार के होते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से कुछ दूर या हटकर स्थित होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, जिससे इसकी दोनों भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जे और एल आकार के होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, इफ द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम इट इज एक्रोसेंट्रिक विथ ए शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम आर आल्सो रोड स्पेड। यदि सेंट्रोमियर क्रोमोसोम एक छोर पर स्थित होते हैं तो यह एक छोटी और लंबी भुजा के साथ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम छड़नुमा आकार के होते हैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम सबसे आगे स्थित होते हैं, जैसे डायग्राम में ब्लैक। इसके कारण गुणसूत्र में केवल एक भुजा होती है और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम छड़नुमा आकार के होते हैं। सेकंड टाइप बेस्ड ऑन फंक्शन, कारक के आधार पर। कार के आधार पर दो होते हैं, ऑटोसोम्स एलोसोम्स। फर्स्ट ऑटोसोम्स, जीन इन ऑटोसोम डिटरमाइन सोमेटिक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन मेल्स एंड फीमेल्स इन द सेम। सेकंड एलोसोम्स, क्रोमोसोम कॉल्ड एलोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल सेक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम और हेटरोक्रोमोसोम। दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्स एंड वाई। एलोसोम्स नामक क्रोमोसोम किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें सेक्स हेटरोक्रोमोसोम कहते हैं। एलोसोम दो होते हैं, एक्स एंड वाई। एक मानव पुरुष में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिला में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। थर्ड टाइप, सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर। फर्स्ट मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकंड डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, थर्ड पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, फोर्थ एसेंट्रिक क्रोमोसोम। फर्स्ट मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम एक सेंटीमीटर वाले होते हैं और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम ऐसे डाइसेंट्रिक में इसमें 2 सेंटीमीटर होते हैं। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम मीन्स 2 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं
एसेंट्रिक ऐसे गुणसूत्र में बना सेंट्रोमीटर के होते हैं। एक गुणसूत्रों के एसेंट्रिक क्रोमोसोम सच क्रोमोसोम और विदाउट सेंट्रोमीटर सेंट्रोमियर दीज और फ्रेशली ब्रोकन सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जाइंट और पॉलीटिन क्रोमोसोम, सेकेंड लैम्प पुरुष क्रोमोसोम, थर्ड एसोसरी क्रोमोसोम, फोर्थ आइसो क्रोमोसोम। जाइंट एफ पॉलीटिन क्रोमोसोम पॉलीटिन गुणसूत्र भी विशाल गुणसूत्र होते हैं लेकिन वो लैम्प पुरुष गुणसूत्र की तरह बड़े नहीं होते। पॉलीटिन नाम इसके कई प्रकार के स्टैंड और बड़े आकार के होने के कारण दिया गया है। पॉलीटिन क्रोमोसोम ईजी वाल्वियानी ने पहली बार 1881 में चिरोनोमस लार्वा की लाल ग्रंथियों की कोशिका में पॉलीटिन क्रोमोसोम की खोज की। सेकेंड लैम्प पुरुष क्रोमोसोम रिकॉर्ड इन 1892 फर्स्ट डिस्क्राइब द लैम्प पुरुष क्रोमोसोम इन शार्प ऑक्साइड। द लैम्प पुरुष क्रोमोसोम इज फाउंड इन रुकर्ट ने 1892 में पहली बार शार्क अंडाणुओं में लैम्प पुरुष क्रोमोसोम का वर्णन किया था। लैम्प पुरुष गुणसूत्र कशेरुकों के अपरिपक्व अंडों या मछलियों पक्षियों सरीसृपों और ओविचोरों जैसे अंडाणुओं में पाया जाता है। लैम्प पुरुष क्रोमोसोम मौजूद लूप्स का उपयोग क्रोमोसोम मैपिंग का में किया जाता है जिसका उपयोग हाइब्रिडाइजेशन का विश्लेषण करने के लिए भी किया जाता है। लैम्प पुरुष को क्रोमोसोम एक पुरुष की तरह दिखते हैं जिसका उपयोग लैम्प या कांच को साफ करने के लिए किया जाता है। एसेसरी क्रोमोसोम द टर्म एसेसरी क्रोमोसोम रेफर टू एनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेल और ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रेगुलर कैरियोटाइप ऑफ द स्पीशीज ऑल्सो नॉन हैज वी क्रोमोसोम इसे बी क्रोमोसोम भी कहते हैं। आइसोक्रोमोसोम एन आइसोक्रोमोसोम इज वन इन विच टू आर्म्स आर आइडेंटिकल विच इज अदर इन जीन्स कंटेंट एंड मॉर्फोलॉजी सच ए क्रोमोसोम इज असेंस ए रिजर्व डुप्लीकेशन विथ इंट्रोमियर्स सेपरेटिंग द टू आर्म्स एवरी आइसोक्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक द अटैच एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोक्रोमोसोम। थैंक यू गाइस।